राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम संबंध भाग दो। आलेख जयपाल सिंह तरंग का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। आज तो भोला आ रहा है नाना नानी के घर से, पर उसे यहाँ छोड़ने कौन आ रहा है? हाँ, भोला के मामा जी आएंगे छोड़ने उसे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे दादा मूंछों वाले, पगड़ी वाले, चश्मे वाले, मोटी लंबी लाठी वाले, चलने में वे ढीले ढाले, घोड़ा बन वे हमें बैठाते, आप भी हंसते हमें हंसाते। अरे अरे, बड़ा शरारती हो गया है, ये देखो मेरी पीठ पर ही बैठ गया। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अरे उतरो उतरो बेटे, इतने दिनों के बाद आया है मेरा मुन्ना बेटा। दादी आओ दादी आओ, मुझे नहलाओ मुझे खिलाओ, अच्छे कपड़े मुझे
पहनाओ दादी मेरी कलम बना दो मेरा बस्ता भी लगवा दो जल्दी मुझको करो तैयार जिससे मुझ पर पड़े न मार। अरे वाह, अरे तुम तो बड़े अच्छे गाने सीख कर आए हो। लो ये तुम्हारा बस्ता रहा और अब जाओ अपने स्कूल। दादी चाचा जी का नाम क्या चाचा जी है? नहीं बेटे, पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं और पिता की भाभी को चाची। चाचा ने चाची को चांदनी चौक के चौराहे पर चांदी की चम चमाती चम्मच से चाव चाव से चटनी चटाई। वाह भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। अरे भाई भोला, एक बार फिर सुना दो। हाँ सुनाओ ना बेटे। हाँ, चाचा ने चाची को चांदनी चौक के चौराहे पर चांदी की चम चमाती चम्मच से चाव चाव से चटनी चटाई। अरे वाह वाह, तुम तो बड़े तेज हो गए हो हैं। बहुत बढ़िया जकड़ी सुनाई तुमने। अच्छा भोला, ये बताओ क्या ये बातें तुम्हें रेडियो के पोपटलाल ने सिखाई हैं? नहीं नहीं, यह तो पड़ोस वाली ताई जी ने मुझे चाची जी को सुनाने के लिए सिखाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों तुम भी जकड़ी सीखोगे? अच्छा पहले मैं बोलूँगा फिर तुम बोलना। चाचा ने चाची को चांदनी चौक के चौराहे पर चांदी की चम चमाती चम्मच से चाव चाव से चटनी चटाई। भोला बेटे, तुम तो फिर बातों में लग गए। क्या स्कूल नहीं जाना? अरे देखो तो, तुम्हारे चाचा जी जयपुर जाने को तैयार भी हो गए हैं। जल्दी करो बेटे, ये तुम्हें स्कूल छोड़ते जाएंगे। दादी जी, पहले चाचा जी वाला एक गीत और सुन लो ना। चलो चलो, जल्दी से वो भी सुना दो। सुना दो। चाचा आओ चाचा आओ, कोई अच्छा खेल खिलाओ, आप हंसो और हमें हंसाओ, चाचा आओ टांगा लाओ, हम सबको उसमें बिठलाओ, दूर दूर की सैर कराओ। हेलो, तुम्हारे चाचा जी भी आ गए तैयार होकर। जाओ उनके साथ स्कूल जाओ जल्दी से बेटे। अरे आज तो छुट्टी का दिन है, फिर भोला स्कूल क्या करने जाएगा? इसके मामा जी आए हैं, उनके साथ खेलेगा खाएगा पिएगा और मौज उड़ाएगा। दादाजी छुट्टी का तो मुझे भी पता था। अच्छा, मैं तो दादी जी का झूठ मूठ बहका रहा था। अब तो मैं मामा जी के साथ खेलूंगा। भाई भोला, तुमने जो ये जकड़ी सुनाई ये तो भाई बहुत ही अच्छी थी, पर एक जकड़ी हम भी तुम्हें सुनाते हैं। बोलो सुनोगे? कड़वी ककड़ी खाए कौन, कहो कहो क्यों बैठे मौन, कह दो कोई न खाए, मीठा केला सबको भाए। अच्छी लगी? हाँ दादाजी। तो तुम भी याद कर लो, बोलो हमारे साथ। कड़वी ककड़ी खाए कौन,
कड़वी ककड़ी खाए कौन? कहो कहो क्यों बैठे मौन? कहो कहो क्यों बैठे मौन? कह दो कोई न खाए। कह दो कोई न खाए। मीठा केला सबको भाए। मीठा केला सबको भाए। शाबाश। अब भोला सुनाएगा? हाँ हाँ जरूर। दा से दादा, दा से दादी, ना से नाना नानी। बोलो बोलो और क्या होता है? माँ से मुन्नी प्यारी, माँ से मामा, माँ से मामी, चा से चाचा चाची। बोलो बोलो और क्या होता है? दा से दादी प्यारी। दोस्तों जब मैं दादी के घर आया तब पता है दादी ने क्या बनाया था? गाजर का हलवा। आओ गाजर के हलवे का एक गीत सुने। एक बुढ़िया ने बोया दाना, एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ उगाना, गाजर का था पेड़ उगाना, गाजर हाथों हाथ बड़ी खूब बड़ी भाई खूब बड़ी, गाजर हाथों हाथ बड़ी खूब बड़ी भाई खूब बड़ी, सोचा तोड़ उसे मैं लाऊं, सोचा तोड़ उसे मैं लाऊं, हलवा गरम गरम बनाऊं, हलवा गरम गरम बनाऊं, खींची चोटी जाल लगाया, खींची चोटी जाल लगाया, नहीं बना जी नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, फिर बुढ़िया का बुढ़ा आया, फिर बुढ़िया का बुढ़ा आया, दोनों ने मिलकर जाल लगाया, दोनों ने मिलकर जाल लगाया, नहीं बना जी नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ और बुलाओ एक जना, फिर बुढ़िया का बेटा आया, फिर बुढ़िया का बेटा आया, तीनों ने मिलकर जोर लगाया, तीनों ने मिलकर जोर लगाया, नहीं बना भी नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, फिर बुढ़िया की बहू आई, फिर बुढ़िया की बहू आई, चारों ने मिलकर जोर लगाया, चारों ने मिलकर जोर लगाया, नहीं बना भी नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, फिर बुढ़िया का पोता आया, फिर बुढ़िया का पोता आया, पांचों ने मिलकर जाया।